आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। जी हाँ, कस्टम फॉर्मेटिंग। मैंने इससे पहले आपको कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। आज हम कस्टम फॉर्मेटिंग में डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। राइट सर, नेक्स्ट तो जो आर्टिकल हमने दिया था वो आर्टिकल को भी खोल लीजिए। तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। जब भी जैसे कि हमने आपको बताया था कि क्या होता है कस्टम फॉर्मेटिंग, जैसे कि हम कोई नंबर लिखते हैं, यहाँ पे हमने नंबर लिखा, इस नंबर को आप कोई कुछ और चीज के साथ, मतलब इसके आगे पीछे कुछ शो करना चाहते हो, मतलब टाइप कुछ और करना चाहते हो और शो कुछ और करना चाहते हो, तो उसके लिए आपने क्या किया था, हमने बताया था आपको कि कस्टम में जाते हैं और यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी लगा सकते हैं, कोई टेक्स्ट या कोई सैम्पल यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ एमआरपी किया और फिर यहाँ पे हैश दे दिया या जीरो दे दिया। तो आप यहाँ देख रहे हैं एमआरपी 123 यहाँ शो हो रहा है, राइट? ये कस्टम फॉर्मेटिंग का पार्ट था। यहाँ पे एक चीज और है, इसी चीज को ये शो कर रहा है कि यहाँ पे सबसे पहला बताता है पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और टेक्स्ट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जब कस्टम फॉर्मेटिंग लगाते हैं तो यहाँ पे सॉरी आरपी लिखते हैं। अगर मान लीजिए हम जीरो ना दे तो क्या होगा, हैश या जीरो देने के लिए आपको बोला था मैंने, जीरो हम इसके अंदर ना दें तो क्या होगा, सिर्फ जो इन्वर्टर को में आपने जो बोल लिखा है एमआरपी, वो सिर्फ एमआरपी शो करेगा, सिर्फ एमआरपी शो करेगा, कोई नंबर डालेंगे एमआरपी शो होगा। अगर माइनस के नंबर डालते हैं तो यहाँ पे माइनस एमआरपी शो होगा। तो मैं चाहता हूं कि यहां पे इसमें इसी में अगर सेमी कॉलन लगाते हैं और सेमी कॉलन लगाने के बाद मैंने यहां पे डाल दिया DISS, DISS अब दिख रहा है डिस्काउंट, दिख रहा है डिस्काउंट। तो एक आर्टिकल ही कहता है कि जो आप यहाँ कस्टम फॉर्मेटिंग में जो चीज आप डालते हो तो पहला पोजीशन पॉजिटिव का होता है, दूसरा पोजीशन निगेटिव का होता है, तीसरा जीरो के चौथा चौथा टेक्स का। तो यहाँ जैसे देखिए आपने माइनस में लिखा तो DIS शो होने लगा, अगर मैं इसको प्लस में लिखूंगा तो ये MRP शो करेगा, और इसी में मैं सेमी कोलन डालता हूं और यहां पे दे देता हूं फ्री। अब मैं जीरो डालूंगा तो फ्री शो करेगा, और इसी में सेमी कोलन दिया और हमने डाल दिया कोई ऐसा वर्ड कि डेटा नॉट फाउंड। तो अगर हम टेक्स्ट को लिखते हैं तो उसके जगह पे डेटा DBDF आ जाएगा, DBDF कर दीजिए, समझे? तो चीज यही बताया गया है कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और टैक्स। अब बात आती है कि हमें ये तो सिर्फ इसका टैक्स हो रहा है, मैं चाहता हूं मैं डेटा भी शो हो, इसके आगे हम जीरो या हैश लगा देंगे बट सेमी कोलन से पहले, समझे? सेमी कोलन सेपरेटर है और टैक्स के लिए क्या लगता है, एट द रेट, टैक्स का है डिनोशन है, ठीक है? अब यहां पे मैं प्लस से कुछ लिखूंगा तो दिखाए एमआरपी जीरो, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिख दिया, हमें इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखना था, एक छोटी सी दिक्कत हो गई सर यहाँ।
है, ओके माइनस में लिखता हूं तो डीआईएस आ गया, जीरो कर दिया तो फ्री आ जाएगा, और कोई टैक्स लिख दूंगा ये आएगा। तो इसका यूज क्या होता है, तो चलिए इस पे एक प्रोजेक्ट आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक अटेंडेंस है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, मान लीजिए कि एक्सिस कार्ड या थंब इंप्रेशन से हमने लिया हुआ है कि भाई किसने कितना कितना बार अपना कार्ड को पंच किया है, ठीक है। डेट वाइज हमने यहां पे समरी आ गई कि किसने कितना बार अपना कार्ड पंच किया है, सर। ये पूरा कॉपी पेस्ट करने के लिए आपने सिर्फ सिंपल ड्रैग डाउन किया क्या? देखो नहीं, हाँ कंट्रोल डी कंट्रोल आर किया हमने, एक बार बताइए सर। कंट्रोल डी कंट्रोल आर से है ना आपका, ये सिलेक्ट कर हाँ कंट्रोल डी से ओके डाउन हो जाएगा, राइट से राइट में भी मिल जाएगा, ओके ठीक है। कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर, ये यहाँ फिल का होता है पार्ट, यहाँ यहाँ आपके सामने डेटा है, राइट। प्रॉब्लम ये है कि जो डेटा है, ये मेरा डेटा अटेंडेंस का है, तो जिस दिन उसने किसी ने कार्ड पंच अपना नहीं किया है, स्कैन नहीं किया है, मतलब उस दिन वो आया नहीं है, जैसे कि जीरो है, ठीक है। तो मुझे अभी क्या करना है कि नंबर्स जितने भी है वो सबको पी शो करना है कि वो प्रेजेंट था, और जितने भी जीरो वाले हैं उसको ए शो करना है ताकि कि वो अब्सेंट था, राइट। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और यहां पे आते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, कस्टम में, और यहां पे हम करते हैं पी, क्योंकि तो पहला जो नंबर है पॉजिटिव का है एज पर आर्टिकल, सेमी कॉलन करते हैं, दूसरा नेगेटिव का है, बट मेरे सिस्टम में कहीं पे नेगेटिव तो नहीं है, ब्लैंक छोड़ देता, और तीसरा पोजीशन जीरो का है। तो अब यहां पे जान लीजिए कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको मैं सबको डालना ही है, मुझे तीन तक ही चाहिए तो तीन ही डाल दिया, मतलब कि सिक्वेंसली सिक्वेंस को फॉलो करना है, जैसे कि यहां पे नेगेटिव हमारा नहीं था तो हम उसके जगह ब्लैंक कर दिया, समझ गए। इसमें से एक सेमी कोलन नहीं डालता, ब्लैंक नहीं डालता, तो क्या होता कि आपका नेगेटिव वाले पे ए आ जाता, जीरो वाले पे नहीं जाता, देन ओके करते हैं। कैसा, राइट तो इस तरह की चीजें करते हैं। और YouTube आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे इस ऐसे बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे आपको। अगली टॉपिक में बढ़ते हैं, अगली टॉपिक में अब बात आती है कलर्स की। जैसे कि मैं चाहता हूं कि जो निगे जो अब्सेंट है वो कलर हो जाए, रेड कलर हो जाए। तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसके लिए तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर देंगे ना, आप कस्टम फॉर्मेटिंग से भी कर सकते हैं। से कि आप आर्टिकल आप देखेंगे तो नीचे यहां दिख रहा है कलर, क्या सर? कलरिंग के लिए ना हाँ, मतलब कि यहां पे जैसे कि आप नेगेटिव पॉजिटिव डालते हैं, उसी से पहले आप जो है कलर डाल सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू वगैरह डाल सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। हाँ, जहां पे अब्सेंट था, सॉरी एक भी एंटर ब्रेस हो गया गलती से, जहां पे अब्सेंट ए लिखा हुआ है, ए से पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट में रेड डाल,
क्या होगा कि जितने भी अब्सेंट था वो जितने जीरो था वो सिर्फ अब्सेंट ही शो नहीं होगा, वो ए हो जाएगा, सो ए कलर रेड हो जाएगा। समझा सर? राइट सर। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल में। नॉर्मल है कि ये जितने साइंस दिख रहे हैं साइन विदाउट इनवर्टर कॉमा को डाल सकते हैं, कोटेशन मार्क को डालने की जरूरत नहीं है। इसमें एक एट द रेट के बारे में बताया कि एट द रेट क्या होता है। जैसे हमने बताया था कि कुछ भी लिखते हैं तो उसके आगे और पीछे हम प्रीफिक्स सफिक्स लगाने के लिए हैश या जीरो लेते हैं, कब? नंबर्स के लिए। लेकिन किसी टेक्स्ट के आगे लगाना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कंपनी का नेम लिखना चाहता हूँ, तो कंपनी नेम में हमें M/S लगा के फिर यहाँ पे IPT या जो भी कंपनी नेम लिखना होता है। मैं चाहता हूँ M/S अपने आप आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इस पे जाते हैं, कस्टम पे आते हैं और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में M/S देते हैं और फिर यहाँ पे एट द रेट कर देते हैं, क्योंकि टेक्स्ट जो है एट द रेट को रेट को फॉलो करता है। ओके करते हैं। अब यहां पे देखिए IPT लिखते ही M/IPT आ जाता है। ऐसे मान लीजिए हम एड्रेस लिखा और एड्रेस में हमने यहां पे लिख दिया कि F1201 और इसके बाद जो दक्षिणपुरी और मान लीजिए कोई लोकेशन और पिन नंबर सबका सेम है, तो आप यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग में लगा सकते हैं यहाँ पे एट द रेट, और आपने बोला कि इन्वर्टेड कॉमा में हमने लगा दिया दक्षिण आ गया सर। अब मैं यही भी लिखूंगा, जैसे यहां पे लिख दिया B123। बट ये विजुअल है सर, याद रखिएगा, क्योंकि फॉर्मेटिंग कोई किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करती है, विजुअल को ही चेंज करती है, तो B412 ही है। तो वही चीज है जो मैंने बताई थी आपको कि आप किस तरह कोड यूज करेंगे, हैश वगैरह कैसे यूज करेंगे। ये 1000 सर, ऊपर जो प्लस माइनस वाला था उसका क्या है स्टोरी? कौन सा प्लस माइनस? इससे पहले गया ना आर्टिकल ऊपर, ये वाली बात कर रहे हैं? हां, साइन वाला। मैंने आपको बताया ना कि इस तरह के सिंबल आपको चाहिए तो आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे लिखा हुआ ना, द फॉलोइंग कैरेक्टर डिस्प्ले विदाउट यूज द कोटेशन मार्क। ओके, हमने आपको बताया था ना +91 लगाने वाला, तो +91 में हमने कोटेशन मार्क नहीं लगाया था ना। आपने इसको पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आपने पार्शियली पढ़ा था मैंने सर, बट एक्चुअली वैसा ऐसा प्रैक्टिकली जाने के बाद में समझ में आता सर, लेकिन वैसे पढ़ने में इतना नहीं। हम कलर की बात कर रहे थे, तो कलर में ऐसा नहीं कि सब कलर डाल सकते हैं, कलर में आप बस एक कलर डाल सकते हैं, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, मजेंटा, शान, एक कलर ही डाल सकते हैं, ये स्पेसिफिक कलर। और कलर आप कंडीशन पे भी डाल सकते हो, जैसे कि आपके नंबर है कि ग्रेटर देन 100 है मान लीजिए यहाँ पे, अब चाहते हैं जो ग्रेटर देन 100 हो पे अलग कलर हो, लेस देन 100 पे अलग कलर हो, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में तुम करते ही करते हैं, आप कस्टम फॉर्मेटिंग से भी कर सकते हैं। कस्टम में जाते हैं और हम यहाँ इस तरह की डालते हैं कि रेड यहाँ पे लेस देन 100 सेमीकॉलन, ब्लू लेस ग्रेटर देन 100 एंड ओके। अब मैं 100 से नीचे डालता हूँ तो रेड हो जाता है और 100 से ऊपर डालता हूँ तो ग्रीन हो जाता है, 100 डालता हूँ तो रेड हो जाता है। Okay.
100 डाल ले तो रेड हो जाता, मतलब 100 इज इक्वल टू होना चाहिए था ना वहां पे, 100 ग्रेटर देन है ना, तो इक्वल टू तो डाला हमने, हमने क्या भी किया है यहां पे, ग्रेटर देन 100 लेस देन इक्वल टू 100, ओके लेस देन इक्वल टू है ना, जी जी मतलब आपको एक कुछ सिंबल्स है, इस सिंबल को टाइप करने के लिए ए शॉर्टकट यूज करना होता है, समझे, जैसे आपका ए मुझे इस तरह का साइन चाहिए तो अल्ट 0163 नंबर कीबोर्ड से, ध्यान रखिएगा ये आप लिखा हुआ न्यूमेरिक वाला होना चाहिए, नंबर न्यूमेरिक कीबोर्ड, तो यहाँ पे अल्ट 0163 इस तरह कीबोर्ड इस्तेमाल की जाती है, और उसके बाद अगला जो आता है वो आता है डेट का, अब कोई भी डेट आप यहाँ पे लिखते हैं, जैसे आज का हमने डेट लिख दिया, तो इसकी फॉर्मेटिंग जो है एक तो है कि आप नंबर यहाँ पे डेट फॉर्मेटिंग में आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलते हैं, अलग अलग कंट्री के फॉर्मेट मिलते हैं आप यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कस्टम पे आपके सामने है कि डी डी एम एम वाई वाई, मैं डी जो है डोनेट करता है डे को, एम डोनेट करता है मंथ को, और वाई डोनेट करता है ईयर को, ठीक है, ओके तो अगर मैंने डी डी किया यहाँ पे स्लैश एम 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 स्लैश वाई वाई ये फॉर्मेट बन गया, अब हमने यहाँ पे एक बार डी किया तो 1 2 3 के फॉर्मेट में आएगा, दो बार करूंगा 0 1 2 के फॉर्मेट में आएगा, तीन बार करूंगा तो डे आएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे शॉर्ट में, यहाँ पे सैंपल दिख रहा होगा आपको, चार बार करूंगा तो कंप्लीट आएगा, बस तरह से एम एक बार 1 2 फॉर्मेट में, 0 1 2 फॉर्मेट में, शॉर्ट में, फुल में, तो आप अपने हिसाब से जैसा फॉर्मेट रखना चाहो इस डी डी एम एम वाई की मदद से आप अपने हिसाब से फॉर्मेट रख सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे आवर का भी टाइम का भी है कि अगर आपने टाइम लिखा और टाइम की फॉर्मेटिंग चाहिए तो एच डोनेट करता है आवर को, एम डोनेट करता है मिनट को, और सेट एस करता है सेकेंड को, तो जैसे मैंने आप लिख दिया HH/MM/ यहाँ पे SS आ गया, PM करना है तो AM/PM, आगे करना है तो आगे कर दीजिए, पीछे करना है तो पीछे कर, लेकिन मान लीजिए मैंने किसी का ओवर टाइम निकाला हुआ है, जैसे 45 घंटे और 20 मिनट, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिए एम को, देखिए 2720 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, पर रहेगा एक्चुअली डेट, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि भाई आवर मेरा कन्वर्ट हो जाए जिससे हम कैलकुलेशन कर सके, जैसे मान लीजिए कि 1 मिनट इक्वल टू 60 रुपीज, तो 45 घंटे 20 मिनट कितना पैसा देना होगा, तो उस केस में जाहिर सी बात है कि हम टेक्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जब हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग की चीजों को ओरिजिनल में चाहिए होगा, तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में हम डाल देते हैं एम को, ये देखिए 2720 आ गया, अब इसके ऊपर में मल्टीप्लाई बाय 60 कीजिए और अमाउंट आपके सामने, ओके राइट सर, ये थी हमारी कस्टम फॉर्मेटिंग की ट्रिक्स, अब इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए, आप लोगों को भी अच्छा लगा हो पूरी सीक्वेंस में वीडियो चाहिए होगा तो मेरा ऐप डाउनलोड कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हेलो हाँ सर, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगली जो टॉपिक है हमारा वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अभी आप okay. क्या करें, मुझे 20 कस्टम फॉर्मेटिंग के एग्जांपल बना के दे जिसको मैंने आपको ना बताया हो, 20 कस्टम फॉर्मेटिंग के एग्जांपल दीजिए जिसको मैंने यूज ना किया, ओके ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, कल मिलने हैं सर, मॉर्निंग में ना।